जिला सोलन में अधिकतर लोगों की आर्थिकी कृषि पर निर्भर करती है। बीते कई माह से बारिश ना होने से इन दिनों लगी रबी की फसलें तबाह होने के कगार पर हैं। जिला सोलन में इन दिनों गेहूं, ज्वार, लहसुन, मटर सहित अनेकों फसलें किसानों ने लगाई हैं। लंबे समय से बारिश ना होने से यह फसलें खराब होने की कगार पर हैं। कई क्षेत्रों में प्राकृतिक स्रोतों में पानी से किसान अपनी फसलों की सिंचाई भी कर रहे हैं, लेकिन अब पानी भी सूख चुका है व किसानों की फसलें तबाह हो रही हैं। बारिश ना होने की वजह से इस टाइम पीने के पानी की भी किल्लत है, फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इस टाइम कनक की फसल भी बहुत छोटी रह गई है इस टाइम, और सब्जियां हर चीज़ का भारी नुकसान हो रहा है, जो दो तीन महीने से बारिश ना होने की वजह से सूखे की मार बहुत ज़्यादा पड़ रही है। बारिश का सर बड़ा नुकसान हो गया हमारे, वो ही नहीं रही 3-4 महीने से बारिश ना जी, मटर खराब हो गए, सेब के लिए, लहसुन के लिए जो भी फसल थी वो हो ही नहीं रहा सर, सब कुछ है। कणक है, सरसों है, पर जो मटर की फसल भी है 5-6 महीने की जो बारिश नहीं हुई उसके कारण सारी खराब हो गई। उज्जवल हिमाचल के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह पुंज की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन।